जी भाषा संघ नागदा के वर्ष 2425 के लिए चुनाव होना है और पहले जो चुनाव की जो तारीख थी 23/12/2023 के पूर्व चुनाव कराने के लिए करना है। इसके लिए मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। मुझे जो अधिकार दिए गए थे उसमें सहायक के रूप में राजेश तिवारी जी और नेगी जी को मैंने सहायक अधिकारी बनाया और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की। उस प्रक्रिया में आज मैं मतदाता सूची का प्रारंभ करना था तो प्रारंभ कर चुके थे और आज जो हमें बार कौंसिल के जो नियम मिले हैं और बार कौंसिल की जो हिदायत दी गई है कि आप इसमें जो जो फोटो युक्त मतदाता सूची है उन सूची को देखते हुए आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, तो उसमें हमने आज कुछ लोगों के नाम इसमें कम किए हैं। जैसे कि इसमें जो मृत हो गए हैं अभिभाषक, उनका जो लिस्ट में नाम भी था लेकिन नहीं दे पाए, उनका ओम प्रकाश जी शर्मा, बदीराज जी यादव, सुशील मोदी जी, भारत चंद भंडारी, अजय जुनवाल, शोभानंद जी ओझा, महेश प्रसाद शुक्ला, राम किशोर खत्री, ये 8 लोगवासी होने से इनका नाम हट चुका है। साथ ही इसमें ये है कि जो उन्होंने बार कौंसिल की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, सनद उनको मिल चुकी है लेकिन 2 साल की जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें उनको पास होना आवश्यक रहता है और वो नहीं आए तो वो पात्र नहीं रहेंगे। बार कौंसिल के नियम और आदेश है, उनके नियम और आदेश के मुताबिक ही हमने कुछ नाम इसमें जो कम किए हैं वो 10 लोग नाम हो रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी पवार, भंवर लाल जी यादव, लक्ष्मण कुंद्रम, संजय परमार, पूर्वा सोलंकी, सलमान शाह, दृष्टि परमार, ममता गोमे, अजय पाटीदार, सोनू को परमार, ये 10 लोगों को हमने उनसे कम किया गया है। तीसरा, जो नाम इसमें सम्मिलित फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने से बार कौंसिल के नियम है कि जो हमारे यहाँ से जो आपके सूची जारी की गई है उसमें जो हमने नाम कम हुए हैं उसमें 15 नाम उनको हटाया गया है ना सर, जिसमें नाम है अमित पाल जी एडवोकेट, अशफाक खान, कांतिलाल जी शर्मा, शैलेंद्र सिंह चौहान, जया परमार, सुरेंद्र सिंह चंद्रावत, विजय पाल सिंह रावत, विकास विश्वकर्मा, रोहित कोलन, विनोद नायमा, सविता भदौरिया, रवि मुकाती, मुकेश सुवाणा, धनंजय सुवाणा, निर्भय सिंह रघुवंशी, ये ऐसे 15 नाम भी इसमें कम किए गए हैं जो कि बार कौंसिल के नियमानुसार जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, हिदायत किए गई है उसके मुताबिक हमने किए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका वोटर एस्टिमेट नाम है लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं करी है, इसमें उसमें भी 19 लोग हैं जिनके शुल्क जमा नहीं हुआ था, बार कौंसिल के नियमानुसार उनको सूचना दी गई, इस पर सूचना पटल पर भी लगाया गया, उसमें भी जैसे काजी मुख्तार फारूकी, राजेंद्र सिंह ठाकुर, सुनीता वर्मा, रमेश बिजारानिया, करण शर्मा, गोपाल प्रसाद तिवारी, नारायण प्रसाद दीक्षित, सत्यनारायण परमार, दीप्ति श्रोत्री, प्रेमचंद चावला, शमसुद्दीन कुरैशी, कोमल चंदानी, मिताली मिश्रा, शिखा यादव, हेमंत नंदेड़ा, मनाली सकलेचा, गौरव शर्मा, स्वाति शर्मा, विष्णु शर्मा, इन लोगों के भी नाम पूरी तरह से सारी सर्चिंग करने के बाद और जो नियमानुसार है हमने 140 मतदाताओं की सूची का प्रकाशन कर दिया है और अब फार्म भरने की जो हमारी डेट है वो भी जल्दी फार्म देना शुरू कर दिए जाएंगे और उसके बाद में फिर फार्म के बाद में 2 तारीख को तक हम उसको फार्म को जमा करने का भी दिए, तो अगली कार्रवाई जो होगी उसमें जो नियमानुसार हमने हमारा टाइम टेबल दिया है उसी के मान से प्रक्रिया का संचालन करेंगे बिना किसी, क्योंकि हमारा जो अभिभाषक संघ है एक परिवार है, ये जो चुनाव है हम लोग सब साथ में मिलकर के प्रेम से रहते हैं और बैठते हैं और अधिक समय हम न्यायालय परिसर में रहते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही अच्छे वातावरण में, स्वार्थ वातावरण में, निष्पक्षता के साथ ये चुनाव संपादित किए जाए। जिनके नाम कटे हैं उनकी तरफ से कोई विरोध हुआ? देखिए अभी क्या है कि जैसे शैलेंद्र सिंह जी चौहान, उनका नाम रतलाम में प्रैक्टिस करते थे, उनका नाम रतलाम की सूची में रहा होगा, उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया है उनके नाम के लिए कि साहब मेरा नाम इस पर सूची में नहीं आया है, उनको हमने पूरे बता दिया है कि आपकी सूची में इसका जो नियम है बार कौंसिल का वो 2 साल में उनको प्रक्रिया का पूरा पालन करके वहाँ से नाम कम करवा करके यहाँ आता है, उन्होंने उनका कहना कि प्रक्रिया प्रारंभ तो कर दी लेकिन किंतु वो अभी तक वो लिस्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, अगर वो लिस्ट में कहीं उनका नाम आता है और फोटोयुक्त में आता है जो नियमानुसार है तो हम उसमें
जो निर्देश हमें मिलेंगे बाल कौन सी जबलपुर के, उसका हम पूरा पालन करेंगे, अन्यथा उसमें असंभव रहेगा। और मैं इस प्रकार की प्रक्रिया भी थी जो इस बार चुनाव में देखने को मिली। देखिए अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, हम इस प्रयास में हैं कि जो पार्क कौंसिल की जो इंस्ट्रक्शन दी है, हिदायत दी गई हमें, उसमें बिल्कुल किंचित मात्र भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि 1% भी इसमें कोई वो नहीं की जाए, क्योंकि हमारा परिवार ही पूरा अभिभाषण संघ नागता है, हर व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानीय हमारे पार्क की, और ये जो व्यवस्था है एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से, एक कोई अध्यक्ष पद के लिए सचिव पद के लिए जो 6 हमारे प्रत्याशी रहते हैं उनको सभी को तो हम पूरा अवसर देंगे, और उसमें प्रयास करेंगे हम उसमें कि अच्छे से अच्छे लोग आएँ ताकि यहाँ की व्यवस्था देखें, क्योंकि अभी कड़ी में हमारे पास में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हम ये चाहेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जो किया गया है एक चुनाव अधिकारी मुख्य नियुक्त किया गया है, लेकिन हमारे साथ में हमारी जो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है और इसके लिए ज़मीन की तलाश किया प्रयास किया गया है, उसका भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग जुड़ कर आए, पूरा अपना समय दे करके, और इसको अभिभाषक संघ की गरिमा के अनुरूप ये कार्य करेंगे। जो चुनाव होना है उसमें कितने अभिभाषक मत का उपयोग करेंगे अपना? अभी 140 मतदाता जो करेंगे, जो हमने यहाँ पर सूची वहाँ पर चस्पा की है उसमें 140 को हमने पात्र पाया है, बाकी अपात्र हुए हैं उपरोक्त जो कारण मैंने बताए हैं उसमें समय समय के अनुसार उन कारणों से, तो 140 को भी वोटिंग पावर रहेगी।